कश्मीर के तीनों सीटों पर भले ही बीजेपी की हार हो गई हो और एनसी ने तीनों सीटों पर कब्जा कर लिया हो, लेकिन मकामी लोगों में बीजेपी अपनी छाप छोड़ने में कामयाब रही। यही वजह है कि नौजवान अब बीजेपी का दामन थामने से पीछे नहीं हट रहे। बीजेपी ने जम्मू और लद्दाख में जीत हासिल की है और उसका अगला टारगेट रियासत में सीएम ओहदे की कुर्सी है। इस पार्टी जम्मू और लद्दाख पर भले ही इसीलिए फोकस कर रही है, लेकिन कश्मीर को भी नजरअंदाज नहीं किया जा रहा। गांधरबल में मुनाकिद बीजेपी की मीटिंग में नौजवान के एक ग्रुप का बीजेपी में शामिल होना इसी तरफ इशारा करता है। यहाँ से उसने तीन सीटें हासिल कर ली, इसलिए हमने सोचा क्यों ना हम अपने ईमानदार लीडर जनाब तारिक साहब से रब्ता करेंगे, क्योंकि ईमानदार लीडर है, इसीलिए हम मुबारकबाद देने के लिए यहाँ आए। जो जवान मेरे यहाँ आके अपने अपने गांव के आए, यहाँ पार्टी नरेंद्र मोदी जी को मुबारकबाद देने के लिए आए, इसलिए कि जब इन्होंने देखा कि भारतीय जनता पार्टी की गरीब और चूंकि ये अवाम की तर्जमानी कर रहा है ये सेक्शंस, इसलिए लोगों ने दिल खोल कर वोट दिए हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस को और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने तीनों सीटों पर यहाँ पर सफलता हासिल की है। जम्मू बीजेपी हेड ऑफिस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें जम्मू कश्मीर में बीजेपी रियासती सदर रविंद्र रैना ने साफियों से खुलकर बातचीत करते हुए कहा कि 35 से और 370 को हमारी सरकार हटाएगी, क्योंकि जम्मू कश्मीर और लद्दाख की आवाम को हमेशा गलत फहमी में रखा गया है और कश्मीर के कुछ लीडर 35 से और दफा 370 को लेकर सियासत करते रहे हैं। कश्मीर के जो हालात हैं वो इन्हीं की देन है। असेंबली इंतखाबात की बात करते हुए बीजेपी जम्मू कश्मीर और लद्दाख में 40 सीटें लेकर जम्मू कश्मीर में अपनी सरकार बनाएगी। जो जम्मू कश्मीर का अगला चीफ मिनिस्टर होगा वो बीजेपी का ही होगा। के धारा 370 के कारण सेंस ऑफ सेपरेटिज्म, ये सेंस ऑफ टेररिज्म ये डेवलप हुई है और धारा 370 ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख की जनता का बहुत बड़ा नुकसान किया है। धारा 370 के कारण सिर्फ 100 के करीब ऐसे राजनीतिक घराने होंगे, 100 के करीब ऐसी पॉलिटिकल फैमिलीज हैं जिन्होंने 370 की आड़ में जम्मू कश्मीर और लद्दाख की गरीब जनता को लूट लूट के खाया है। जनता के पैसे से खुद के लंदन, अमेरिका, इंग्लैंड, मुंबई, दिल्ली में जाके प्रॉपर्टीज बनाई हैं और जम्मू कश्मीर और लद्दाख के अंदर जनता को गुमराह किया है। बहुत